हाय गाइस, मैं उमर गुप्ता और आपका हमारे यानी कि मेरे और आपके चैनल पर स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो मेरा अब तक का बेस्ट वीडियो होने वाला है। आगे भी बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, लेकिन अब तक का जो मैंने वीडियो बनाया है उनमें आज वाला सबसे बेस्ट होगा। आज मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ, मतलब बेसिक्स टू एडवांस। एडवांस क्या, नाइन्थ में एडवांस क्या, लेकिन फिर भी जितना कुछ है मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। कर्नल क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बहुत कम टाइम में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। अब हम चलते हैं अपने एनिमेटेड प्लेटफॉर्म पर। गाइज, हम आ चुके हैं अपने एनिमेटेड प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम अपना लेसन 4 ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ऐसा पुल होता है जो उन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप ना ही अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड चला सकते हैं, ना ही एमएस पावर पॉइंट चला सकते हैं, ना ही अपने लैपटॉप अपने फ़ोन में आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, ना ही आप फेसबुक चला सकते हैं अपने फ़ोन में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। जैसे विंडोज़ हो गया, विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब मैंने आपको इतना तो समझा दिया, तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी सबसे पहला प्रोग्राम पड़ता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के पढ़ने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। अब जो कुछ एग्ज़ाम के मतलब का ये हमारा ये कुछ फंक्शंस हैं, ये आप ज़रूर याद कर लें। जैसे रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, सेंडिंग आउटपुट टू द कंप्यूटर, कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड से यहाँ पे ये मतलब है, जैसे हमने अंबर गुप्ता टाइप करा अपने कीबोर्ड पर, तो अंबर गुप्ता समझेगा कैसे कंप्यूटर। तो ये काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, कंप्यूटर को समझाने का। अब हमारी स्क्रीन पे अंबर गुप्ता लिख के आए, ये भी काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। हमने कोई फाइल जहाँ स्टोर करी वहीं मिले, यही काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और हमारे प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीज़ों को संभालने का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो इतने सारे काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो अब यहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि आउटपुट तो हमारा सब CPU करता है ना। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों की प्रोसेसिंग भी CPU करता है, ये सब चीज़ें CPU की होती हैं। तो अब यहाँ पे कई लोगों को लग रहा होगा कि यार ये क्या हो गया। तो हुआ ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आप एज अ पोस्टमैन समझ लीजिए, कि खत किसी ने लिखा और किसी ने पढ़ा, लेकिन बीच में खत को जो इधर से उधर करा जिस आदमी ने, वो हमारा पोस्टमैन हुआ। तो कंप्यूटर में हमारा पोस्टमैन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। समझ में आ गया? हाँ बोलो भाई। कर्नल और शेल, ये हमारे वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, इन्हें ध्यान से देखना भाई। कर्नल, अब इसे ऐसे समझते हैं, जैसे ये हमारा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का जो पुल होता है वो हमारा कर्नल होता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए, आर्मी में जो कर्नल होता है, तो आर्मी में जो भी काम होना होगा उनकी बटालियन में, वो सारा कर्नल ही डिसाइड करता है कि यहाँ पे कौन आएगा हमारी बटालियन में, कौन जाएगा इधर से उधर, वो सारा कर्नल ही तो डिसाइड करता है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में कर्नल ही डिसाइड करता है कि क्या क्या होने वाला है। जब एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने कोई भी एक अच्छा सा एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जैसे बैकग्राउंड चेंजर डाउनलोड कर लिया, तो आपकी फ़ोटो को उसमें लेने का काम सॉफ्टवेयर में, वो भी कर्नल उसे परमिशन देगा, हाँ भाई कर लो ऐसा तुम। और फिर जो आपने जो काम कर दिया उस काम को आपकी मेमोरी में स्टोर करने का, जैसे आपने अपनी फ़ोटो को एडिट कर दिया, तो वो फ़ोटो फिर स्टोर भी तो होनी है, तो ये स्टोर की भी परमिशन आपको कर्नल ही देता है। इसे हम हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि भाई इतने सारा काम करेगा तो हार्ट तो कहलाएगा ही। ये हमारी कंप्यूटर में देखिए नीचे लिखा है, इट कंट्रोल्स एवरीथिंग इन द कंप्यूटर एंड गिव्स डाटा एंड परमिशन टू द एप्लीकेशंस। ये मैंने समझा दिया आपको, कर्नल हमारा इनर मोस्ट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये भी आपको आगे समझ में आएगा। शेल, अब जैसे मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर की भाषा होती है 0 एंड 1,
बस कंप्यूटर हमारा जीरो और वन जानता है। तो शेल जो हमारा अब कर्नल की भाषा में जो ट्रांसलेट करेगा वो हमारा शेल कहलाता है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं ऐसे करके। अब जैसे सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर कनेक्शन हो रहा है, जैसे एमएस वर्ड टू हमारे सीपीयू कनेक्शन हो रहा है, बीच में कनेक्शन करवा रहा है हमारा कर्नल। अब लेकिन कर्नल की भाषा तो 01 है ना, तो इस 01 की भाषा में जो ट्रांसलेट करेगा वो हमारा शेल कहलाएगा। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं डेफिनेशन को। इट ट्रांसलेट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एप्लीकेशंस इनटू मशीन लैंग्वेज। जो हमारी एप्लीकेशन होती है जैसे एमएस वर्ड, उनकी भाषा को 01 में कन्वर्ट करने का काम शेल करता है। एमएस वर्ड की भाषा को 01 में कन्वर्ट करने का काम बताइए शेल करता है। ये हमारा एक ट्रांसलेटर होता है, इंटरप्रेटर का मतलब ट्रांसलेटर, तो ये हमारा एक ट्रांसलेटर होता है। शेल हमारा आउटर मोस्ट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऐसे समझिए, ये कर्नल, ये शेल, एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन और कर्नल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें शेल मदद करता है हमारा। तो शेल आउटर मोस्ट हो गया, कर्नल इनर मोस्ट हो गया। वर्चुअल मैपिंग और डिमांड पेजिंग, ये जो कंसेप्ट है हमारे, समझ लीजिए, किसी भी काम को अगर ज़रूरत से ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो कर्नल उस मेमोरी को प्रोवाइड कराता है इमेजिनरी रूप से, मतलब अब ऐसे ही वर्चुअल रूप से कर्नल हमारी उस मेमोरी को प्रोवाइड करवाता है। तो जैसे आपका बहुत लो क्वालिटी का फ़ोन है मान लीजिए, तो उसमें जैसे आपने पबजी डाउनलोड किया तो वो बहुत बेकार चलेगा, लेकिन चलेगा तो उसी बेकार चलने के प्रोसेस को ही हम एक तरीके से वर्चुअल मैपिंग समझ सकते हैं। अब इसका मतलब नहीं है कि बेकार चल रहा है तो वो वर्चुअल मैपिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। मतलब पबजी को बहुत हाई रैम वगैरह चीज़ चाहिए होती है, लेकिन आपके घटिया फ़ोन में नहीं है ऐसा, तो अब उसे वर्चुअली झूठे रूप से, इमेजनरी रूप से जो प्रोवाइड करा उस मेमोरी को, वही वर्चुअल मैपिंग कहलाता है। डिमांड पेजिंग का मतलब रैम में अगर कोई डाटा नहीं है और किसी सॉफ्टवेयर को चाहिए वो डाटा, तो कर्नल उसे प्रोवाइड करवा देता है। कर्नल देखिए हमारा कितना महत्वपूर्ण है। अब कुछ डेस्कटॉप लैपटॉप पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन लैपटॉप और डेस्कटॉप, तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हमारा मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने 1985 में डेवलप किया था। अभी जो मल्टी यूज़र, मल्टी टास्किंग एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दे रखा है, इसका मतलब आपको आगे समझ में आने वाला है। एप्पल मैक वो ऐसे ही सिर्फ एप्पल के जो डेस्कटॉप और लैपटॉप होते हैं ये उनमें ही काम करता है बस, ऐसा नहीं है ऐसे कोई भी मतलब अपने लैपटॉप में डाल के दे देगा। ये जो OS X हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता था उसका ही वंशज है। लाइनक्स, इसे लाइनस टोरवाल्ड्स नाम के व्यक्ति ने 1991 में डेवलप किया था। इसके कुछ डिफरेंट वर्जन्स हैं, जैसे हो गया अबंटू, फिडोरा, मिंट। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस बॉस, अब भारत लिखा है तो इसका मतलब ये इंडियन होगा, तो ये हमारा इंडियन लाइनक्स है, इंडियन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने डेवलप किया था। अबंटू जो हमारा है ये हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ये जैसे दो हैं ये हमारे पास, गूगल एंड्रॉयड और एप्पल iOS। एंड्रॉयड तो भाई मोस्टली सभी ने सुना होगा, जो मेरी आप वीडियो देख रहे हो वो भी शायद हो सकता है एंड्रॉयड में ही देख रहे हो। मैं बहुत लकी हूँ अगर मेरी वीडियो किसी iOS में देखी जा रही होगी, एप्पल के फ़ोन में। गूगल एंड्रॉयड हमारा मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब कन्फ्यूज ना होइएगा, विंडोज़ हमारा मोस्ट पॉपुलर लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल एंड्रॉयड हमारा मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब iOS हमारा ऐसा होता है वो सिर्फ एप्पल के फ़ोन में चलेगा, लेकिन गूगल एंड्रॉयड हमारा ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा वीवो, ओप्पो, सैमसंग सबके फ़ोन में एंड्रॉयड आता है, और एंड्रॉयड के अंदर ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर आता ही आता है जहाँ से आप कई सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे 2010 तक ना हमारा जो नोकिया फ़ोन बहुत चलते थे, आपने सुना होगा, तो नोकिया फ़ोन में हमारा सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम था। फिर एंड्रॉयड आ गया, एंड्रॉयड को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया, इसलिए हमारे नोकिया के फ़ोन कबाड़ा हुए थे। इवोल्यूशन देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का,
सबसे पहले पाम ओएस आए थे, फिर विंडोज़ पॉकेट पीसी आए, फिर ब्लैकबेरी एंड एंड्रॉयड आए। और जैसे हमारा गूगल असिस्टेंट होता है, ओके गूगल बोल के जिससे हम काम करवाते हैं, वैसा ही जो मैक ओएस, जो एप्पल के कंप्यूटर में जो मैक ओएस होता है, उसमें जो गूगल असिस्टेंट होता है, उसकी तरह, गूगल असिस्टेंट की तरह वो हमारा सिरी होता है। जैसे गूगल मीट हो गया, गूगल डियो हो गया, वैसा ही हमारा एप्पल का फेस टाइम होता है। और गूगल ना गूगल असिस्टेंट तो पता ही है आप लोगों को। जो कोर्टाना होता है, कोर्टाना विंडोज़ 10 का असिस्टेंट होता है। विंडोज़ 10 में जो जैसा हमारा गूगल की तरह जो असिस्टेंट हुआ वो हमारा कोर्टाना कहलाएगा। अब टाइप्स देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम इसे 3 टाइप में क्लासिफाई करेंगे। यूज़र इंटरफेस के दौरान हमारा ये पहला क्लासिफिकेशन होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बेसिस ऑफ यूज़र इंटरफेस पे दो होते हैं, या तो कमांड वाला होगा या ग्राफिक्स वाला होगा। अब कमांड वाले में आप लोग जान ही गए होंगे, इसमें कमांड चलती हैं, और ग्राफिक वाले में आपको अच्छे अच्छे ग्राफिक, अच्छे अच्छे आइकन्स देखने को मिलते हैं। जैसे आप जब अपना फ़ोन चलाते हैं तो उसमें आप कोई कमांड थोड़ी डालते हैं कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड एटसेट्रा, ऐसे तो नहीं डालते होंगे आप। आप तो व्हाट्सएप पे आपने क्लिक किया और व्हाट्सएप आपका खुल गया। तो ऐसे ही यही जो आइकन्स जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं वो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है, और जिसमें कमांड चलती हैं वो हमारा कमांड यूज़र इंटरफेस कहलाता है। अब एक समय पे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने काम कर सकता है, इसके ऊपर हम क्लासिफाई करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब, इसका मतलब वो जो हमारा सिंगल टास्किंग का मतलब है कि हमारा ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम रन कर सकते हैं। जैसे आपने ऐसा करा होगा ना कभी कभार कि आपका एक टाइम पे व्हाट्सएप भी चल रहा है, फिर आपने मतलब फेसबुक भी खोल लिया, फिर आप किसी से बात भी कर रहे हो। ऐसा काम आप सिंगल टास्किंग वाले में नहीं कर सकते। एंड्रॉयड आपका मल्टी टास्किंग है, इसलिए आप ये सारे काम कर पाते हो। टाइम शेयरिंग मतलब जैसे कोई आदमी कहीं बैठा है, कोई आदमी कहीं बैठा है, कोई आदमी कहीं बैठा है, तो एक कंप्यूटर रखा हुआ है हमारा, तो उस एक कंप्यूटर को अलग अलग जगह से बैठे हुए लोग चला सकते हैं। इसी को हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक जैसे कामों को जो हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये बैचेस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कन्वर्ट नहीं कर देता है, ऐसे डिवाइड कर देता है कि भाई तुम ये काम करोगे तो तुम इस बैच में आ गए, तुम ये काम करोगे तुम इस बैच में आ गए। जैसे बायोलॉजी के बच्चे बायोलॉजी के बैच में, मैथ्स वाले बच्चे मैथ के बैच में, मतलब बायोलॉजी जो जिन्हें पढ़नी है वो बायोलॉजी के बैच में। ऐसे ही जो एक तरीके के फंक्शंस वाले लोग होते हैं उन्हें ही एक बैच में कन्वर्ट कर देता है। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें कोई भी यूज़र कभी भी डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो पाता है, वो अपने अपने काम अपने अपने सिस्टम पर करते हैं और मेन कंप्यूटर को भेज देते हैं। रियल टाइम मतलब जो भी, जैसे कई काम होते हैं जो हमारे बिल्कुल बिल्कुल आधे सेकंड में ही होने होते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगना होता है उन्हें। तो ऐसे कामों को करने के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारा मिलिट्री के जो कंप्यूटर हो गए, मिलिट्री के कंप्यूटर से आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई मिसाइल आ रही है, बहुत बड़ी भयानक मिसाइल आ रही है हमारे देश की तरफ, और जो हमारे मिलिट्री के सिस्टम है जो सेंसर्स लगे हैं वो थोड़ी देर करते हैं उसे पहचानने में, तो आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा फिर हमारे देश में। तो जिन कामों को करने के लिए आधे सेकंड की ही देरी नहीं होनी चाहिए, वहाँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, सॉफ्ट RTOS और हार्ड RTOS। RTOS मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट RTOS मतलब ये थोड़ा बहुत जो देरी ये सहन कर सकता है, गुस्सा इतना नहीं आता है इसे। और हार्ड RTOS हमारा ये बिल्कुल भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे मोबाइल फ़ोन जब आपके होते हैं, आप कोई फ़ोटो खींचते हैं तो कभी कभार फ़ोटो नहीं खींच पाता, इसका मतलब ये तो नहीं है आपका मोबाइल बस्ट हो गया, मतलब फट गया एकदम मोबाइल आपका, इसका मतलब ये तो नहीं है। लेकिन जो मिलिट्री के कंप्यूटर होते हैं अगर वो एक भी मिसाइल को पहचान नहीं पाए तो वो क्रैश कर जाएंगे कंप्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये होते हैं कि कई सारे यूज़र जब एक कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो कई सारे CPU लगा देते हैं लोग, जिससे बहुत तेज काम हो। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सर्वर पर काम करते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क यानी सर्वर, समझ रहे होंगे आप लोग नाम से। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स,
यूजर्स कितने चला सकते हैं एक टाइम पे एक कंप्यूटर? सिंगल यूजर मतलब एक टाइम पे एक कंप्यूटर को एक ही इंसान चला सकता है, मल्टी यूजर मतलब एक टाइम पे एक कंप्यूटर को कई यूजर चला सकते हैं। अब जो ये हमारा चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ख़त्म हो चुका है। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा चैप्टर। अब अगली वीडियो में या तो हम चैप्टर 1, 2, 3, 4 का रिवीजन करेंगे या फिर हम चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको नया चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्किंग चाहिए या फिर आप इन्हीं 1, 2, 3, 4 का रिवीजन करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। खुश रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।